और जेड के साथ लैम्डा आ रहा है तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में लैम्डा बाई टू। नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर वन, सेंटर आ गया, रेडियस भी लिख सकते हैं तथा गोले एक की त्रिज्या, माना अपन ने आर अगर है ये तो आर बराबर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर वन क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर और डी, डी है ही नहीं जीरो, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा, आर बराबर कितना आ जाएगा माइनस का जीरो 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 हो गया माइनस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर है तो लैम्डा बाई टू, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा लैम्डा बाई टू। आगे हम सॉल्व करेंगे अब इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर था क्या बेटा वहाँ पे इक्वेशन में, क्वेश्चन में बेटा अपन ने गलत किया था, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर था है ना, यहाँ पे करेक्ट करना माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी यहाँ पे क्या आएगा माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे प्लस फोर, तो हमारे पास प्लस फोर और रहेगा, तो हमारे पास प्लस फोर और रहेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर, ये कंडीशन, एक इसको दे दे दो। अब क्या करें बेटा, केंद्र के निर्देशांक आ गए हमारे पास और रेडियस आ गई, केंद्र के निर्देशांक आ गए जीरो जीरो माइनस लैम्डा बाई टू और रेडियस आ गई हमारे पास ये लैम्डा स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर। अब क्या करें बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लें, मतलब गोले के केंद्र से, ये जो गोले का केंद्र है इससे ये समतल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें एक अपन और उसकी लंबाई निकाल लें, अब गोले एक के केंद्र, गोले एक के केंद्र, एक का केंद्र कौन सा है बेटा जीरो जीरो माइनस लैम्डा बाई टू से समतल कौन सा वाला, ये x प्लस टू वाई प्लस टू जेड बराबर जीरो पर खींचे गए लंब की लंबाई। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो फ्रॉम द सेंटर जीरो जीरो माइनस लैम्डा बाई टू ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फीयर वन, परपेंडिकुलर लेंथ पी बराबर मॉड आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा इससे, इस पर जीरो इंटू जीरो आ जाएगा
जीरो जीरो आ जाएगा, माइनस में लैम्डा आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा पी बराबर लैम्डा बाई नाइन, पी बराबर लैम्डा बाई नाइन। और इसका अंडर रूट था तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है वो लैम्डा स्क्वायर अपॉन नाइन आ रहा है। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमको दिया हुआ है, यहाँ तक लिखिए बेटा फटाफट से, एक बार इसको नोट डाउन करें बेटा आप, यहाँ तक लिखें। अब हमको ऐसा दिया हुआ बेटा कि अगर ये प्लेन इस स्फेयर को कट करता है तो वहाँ पर तीन रेडियस वाला सर्कल बनता है, ऐसा अपने को दिया हुआ है। ऐसा हमें दिया हुआ है कि जो रेडियस होगी आर स्क्वायर वो होगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सिंस लिख देते हैं यहाँ पर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सो आर मतलब तीन का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना बेटा ये लैम्डा स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर, और पी का स्क्वायर हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर बाई नाइन, क्योंकि आर जो है वो तीन दिया हुआ है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया नाइन लैम्डा स्क्वायर बाई फोर प्लस फोर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई नाइन। इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू देखो 9 माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर कॉमन 1 बाई फोर 1 बाई नाइन, तो ये आ गया बेटा 5 लैम्डा स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, इधर आ गया 9 माइनस फोर, तो बेटा हमारे पास ये बना 5 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 5 बाई 36, ये 5 से 5 भी एलिमिनेट हो गया, वी हैव लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36 विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इक्वेशन नंबर 4, अतः या ऐसे लिखते बेटा लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस 6z माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है। लिखिए बेटा नोट डाउन करें, यहाँ तक फटाफट से एक बार नोट डाउन करें।
बेटा लिख ले यहाँ तक, आगे देखो। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न दो वृत्त एक ही गोले पर स्थित हैं तथा गोले का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्न दो वृत्त दे रखे कौन कौन से हैं, एक ही गोले पर स्थित हैं, एक ही गोले पर स्थित है तथा गोले का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया बेटा, शो दैट द टू सर्कल्स, शो दैट द टू सर्कल्स लाइज ऑन द सेम स्फीयर lie on the same sphere and find its equation and find its equation। ये करना है बेटा अपने को। दोनों जो स्फीयर सॉरी दोनों जो सर्कल दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं वो लिख लेते हैं बेटा अपन। दोनों सर्कल दे रखे हैं x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, x प्लस थ्री जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये दो सर्कल्स दे रखे हैं बेटा अपने को, ये दो वृत्त दे रखे हैं और इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ये अपने को दिया हुआ है कि निम्न दो वृत्त एक ही गोले पर स्थित है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। साथ ही साथ गोले का समीकरण भी, उस गोले का समीकरण भी अपने को ज्ञात करना है। दो सर्कल्स ही दे रखे हैं, हमें प्रूफ करना है कि टू सर्कल्स लाइज ऑन दी सेम स्फीयर और उसकी इक्वेशन भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अगर वृत्त दिया हुआ हो, अगर हमें सर्कल दिया हुआ हो तो उससे पास आउट होने वाला स्फीयर लिखते हैं अपन, उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण बेटा अपन, कैसे लिखते हैं उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण, हम लिखते हैं एस प्लस लेमडा पी बराबर जीरो से। तो हल में देखे, सॉल्यूशन में देखो बेटा अपन, तो इसको तो मैं कह दूँ वृत्त एक, सर्कल वन
और इसको कह दो बेटा सर्कल टू, इस इक्वेशन को क्या कह दूं मैं सर्कल टू, इस इक्वेशन को क्या कह दूं वृत्त दो सर्कल टू। तो मैं लिखता हूं दिए गए वृत्त, दिए गए वृत्त एक से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? दिए गए वृत्त एक से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्फेयर विच पासेस थ्रू द गिवन सर्कल वन, सर्कल वन से पास आउट होने वाले सर्कल वन से पास आउट होने वाले स्फेयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? एस प्लस लैम्डा पी। अब देखो दो लिखने हमको लैम्डा, तो दोनों सेम नहीं लिखेंगे एक बार, तो हम क्या करेंगे अलग अलग लिख, हमें प्रूव करना है कि दोनों एक ही हैं, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू जेड प्लस लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा वन कर देना, जेड स्क्वायर एक्स की कोई टर्म है नहीं तो लैम्डा वन एक्स, वाई की टर्म है बेटा दोनों नेगेटिव है तो माइनस साइन बाहर लिख दिया, और वन प्लस लैम्डा वन वाई, जेड की टर्म्स बेटा टू प्लस लैम्डा वन जेड, और कांस्टेंट में माइनस का टू लैम्डा वन इक्वल टू जीरो। ये आ गया सर हमारे पास इक्वेशन वन, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह बेटा सिमिलरली वृत्त दो से गुजरने वाले गोले का समीकरण भी हम लिखेंगे। इसी प्रकार वृत्त दो से गुजरने वाले गोले का समीकरण, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द गिवन सर्कल टू क्या हो जाएगा? इस दो से गुजरने वाले में तो एस वापस से और लैम्डा पी इक्वल टू जीरो, एस प्लस लैम्डा पी बराबर जीरो। तो क्या लिख दें बेटा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस वन, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर, प्लस लैम्डा पी मतलब एक्स प्लस थ्री जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये लिखेंगे। अब बेटा इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की टर्म बेटा प्लस में फोर प्लस लैम्डा टू एक्स, ये लैम्डा कौन सा है? ये टू वाला लैम्डा, वाई की कोई इधर टर्म है नहीं तो माइनस का एट वाई, जेड की इधर कोई टर्म नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? थ्री लैम्डा टू जेड प्लस थ्री लैम्डा टू जेड, और इधर कांस्टेंट वन इधर माइनस फाइव, तो वन माइनस फाइव लैम्डा टू इक्वल टू जीरो, ये हो गई सर इक्वेशन नंबर टू। तो एक गोला तो आ गया ये और एक गोला आ गया ये, मतलब एक तो इससे गुजरने वाला एक तो इससे पास आउट होने वाला, इस पर लिख दिया,
और एक इससे पास आउट होने वाला, इससे गुजरने वाला गोला हमने लिख दिया। यहाँ तक बेटा नोट डाउन करो फटाफट से। लिख लिया बेटा। अब हमें क्या करना है, अब गोले एक स्पेयर वन और स्पेयर टू को ये ऐसा दिखाना है कि ये जो दो गोले हैं ठीक है, ये जो दे रखे हैं वो एक ही गोले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है क्या कि दो वृत्तों से जो गुजरने वाले गोला है वो एक ही गोला है, या ये जो दो वृत्त हैं वो एक ही स्फीयर पर है, लाई करते हैं एक ही गोले पर। तो एक ही गोले को रिप्रेजेंट करेंगे कब, जब हमारे पास बेटा जो एक्स वाई जेड है, जो हमारे पास जो एक्स वाई जेड है उनके जो गुणांक है, उनके जो कॉफिशियंट्स हैं वो कैसे हो बेटा, सेम हो। उनके जो कॉफिशियंट्स या गुणांक है वो कैसे हो, सेम हो। तो एक और दो, समीकरण एक और दो एक ही गोले को रिप्रेजेंट करेंगे यदि यदि इफ हमारे पास यहां एक्स का जो गुणांक है वो इधर एक्स के गुणांक के बराबर हो, यहां जो वाई का गुणांक है वो इधर वाई के गुणांक के बराबर हो, यहां जो जेड का गुणांक है उधर जेड के गुणांक के बराबर हो, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के बराबर हो। कल भी किया था ऐसा शायद अपन ने काम, तो ये अब करते हैं। साथ ही साथ गोले का समीकरण भी अपने को ज्ञात करना है, तो ये दो काम अपन अभी कर लेते हैं। दोनों दिए गए वृत्त एक ही गोले पर स्थित होंगे तब गिवन बोथ सर्कल्स lies on same sphere, then तब कंडीशन क्या होगी बेटा, हमारे पास वन में लैम्डा और टू से लैम्डा टू का जो सिलेक्शन है वो इस तरह से होगा कि ये कॉफिशियंट्स क्या बने, सेम बने। समीकरण एक तथा दो से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, लैम्डा वन इज इक्वल टू फोर प्लस लैम्डा टू, माइनस में 1 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस का 8, 2 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2 और माइनस का 2 लैम्डा 1 इक्वल टू 1 माइनस 5 लैम्डा 2। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया, देखो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 1 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ से लैम्डा 1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 7, लैम्डा 1 7 रख दिया इसमें,
तो 7 = 4 + λ2, यहाँ से λ2 आ गया बेटा 3, यहाँ दोनों की वैल्यू रख दी, 2 + 7 = 3 × 3, तो ये क्या आ गया 9 = 9, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ भी रख देंगे तो माइनस का 2 × 7 = 1 - 5 × 3, तो 15, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इधर भी क्या आ गया, माइनस का 14 = -14, तो लेमडा और लेमडा वन और लेमडा टू की जो वैल्यूज आई है वो इस तरह से आ गई बेटा कि वो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। लेमडा वन और लेमडा टू की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से आ गई है कि हर एक टर्म को सेटिस्फाइड कर रही है वो। अब चूंकि लैम्डा वन व लैम्डा टू के मान सभी समीकरणों में संतुष्ट हैं या होते हैं, सिंस the values of lambda 1 and lambda 2 satisfy all equations, therefore ये जो दोनों स्फेयर्स होंगे बेटा, इसके बाद से यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, एक लाइन को गैप हो जाएगा थोड़ा, है ना, इसके बाद से इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो गोले हैं, अतः है, गोला एक या दोनों गोले एक ही गोले को व्यक्त करते हैं, हैंस या सो बोथ स्फेयर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम। अब क्या करो, आप या तो लैम्डा वन का मान यहाँ रख दो या फिर लैम्डा टू का मान यहाँ रख दो, आपको क्या मिल जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड जो स्फेयर है उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन भी तो निकालनी थी, तो लैम्डा वन का मान एक में रखने पर ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन इन इक्वेशन वन, देखो x² y² z² प्लस लैम्डा वन का मान 7 7x माइनस लैम्डा वन 7 + 8 माइनस का 8y 7 + 2 9z और 7 = 14 = 0, या आप लैम्डा टू का मान रख दो, ठीक है। मान लो ऐसा नहीं करता कोई, वो कहता है सर मैं तो लैम्डा टू का मान रखूंगा, तो लैम्डा टू का मान 2 में रखने पर